हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। अभी सुबह का टाइम है, सुबह 6 बज रहे हैं सुबह के, और आज सोमवार है, राखी है आज, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं झाड़ू लगाई हूँ और पोछा लगा के बस वही हाथ पैर धो रही हूँ मैं, और बस वही खाने की तैयारी अब होगी सब। तो बस वही मैं किचन में आ गई हूँ, और सबसे पहले तो मैं अभी चाय बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मैं आज चाय नहीं पी थी सोकर उठी थी। तो बस चाय बनाऊंगी, पीऊंगी, और एक तरफ इधर मैं दाल चढ़ा के रखी हूँ, चने की दाल जिसकी पूरी बनेगी। और ये दूध उबल गए हैं तो मैं अब खीर के लिए दूध चढ़ाऊंगी। तो आज खीर और दाल भरकर पूरी सब्जी बनेगी। तो ये बॉईल हो रहा है, और ये चने की दाल कुछ 4-5 घंटे रात में भिगो के रख दिए थे, तो इसे अभी उबाल दूंगी, और इसके बाद ना इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो ये देखिए मैं दूध में चावल धोकर भी डाल दी हूँ, और इसको छोड़ दूंगी गैस कम कर पकने के लिए। और इधर परवल और आलू की सब्जी बनेगी, तो अभी मैं परवल को फ्राई कर रही हूँ। और बस आटा इधर गूंद लूँगी मैं पूरी के लिए, तो इसमें थोड़ी सी रिफाइन तेल का मोयन देकर इसके बाद मैं आटे को अच्छे से गूंद लूँगी। तो ये देख सकते हैं कितने सारे आटे मैं गूंद रही हूँ। तो बस इधर देखिए ये आलू और परवल दोनों फ्राई हो गए हैं, और मेरी खीर भी मैं अब चावल को चेक करूँगी कि गले कि नहीं गले। तो ये हो गया है, उतार दूंगी मैं इसे अब। और मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, प्याज फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं ये मसाले को ऐड कर दूंगी। मसाले वही जो पीसी थी, जीरा, गोल मिर्च, लहसुन, और ये जीरा और गोल मिर्च का पाउडर है जिसे भूनकर बनाई हूँ, उसे दाल में मिक्स करूँगी। तो इसी में मैं अजवाइन ऐड करूँगी, और ये अदरक को अच्छे से कूट ली हूँ इसे भी ऐड कर दूँगी। और ये स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये सभी को अच्छे से मिला लूंगी, और ये देखिए मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई, जो देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो बस मैं अब नहाकर भी रेडी हो गई हूँ, तो बस मैं अब राखी की तैयारी करूँगी। तो मैं अपने भैया, एक ही मेरे भाई हैं, तो उनको मैं राखी बांधूँगी। ये मेरे भैया हैं, मेरे से बड़े हैं। तो ये देखिए मैं अभी टीका लगाई हूँ और ये राखी बांध रही हूँ। और ये मेरी बुआ है, एक ही बुआ है मेरी, और ये मेरी मम्मी है। तो ये मेरे अंकल का लड़का है, तो इसे भी मैं बुलाई थी, तो उससे भी राखी बांधी हूँ। और ये मेरे दोनों बेटे को, मेरी छोटी बहन है ये, वही राखी बांध रही है। अब इनकी बहन तो है नहीं, तो मौसी ही राखी बांध रही है। और अभी हम लोग मामा जी के घर आ गए हैं अपने, तो ये मेरे बड़े मामा जी हैं और ये मेरी मम्मी है। तो मम्मी अभी मामा को राखी बांधेगी। मेरे मामा जी का घर हमारे घर से करीब ही है, मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं। और ये मेरे छोटे मामा हैं, तो मम्मी इनको भी राखी बांध रही है। दोनों मामा का घर पास में ही है। तो मम्मी और मामा भी बात कर रहे थे, किसी हमारे रिलेशन में ही किसी को कोरोना निकला है, तो बस उसी की बातें कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ।
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।